चैलेंज हम कर रहे हैं ऑन डिमांड, क्योंकि गाइस आपने इतने सारे कमेंट करे। याद है जब अनन्या ने पूरा दिन खाना बनाया था हमें? याद है कैसा रहा? बहुत अच्छा था गाइस, मैंने पहली बार पूरा दिन खाना बनाया था, अरे बड़ा मजा आया था, हमने आराम किया था। कंट्रोल कंट्रोल। और सबसे मजे की बात है यार, ये बोल रही है कि बहुत अच्छा था, ये थोड़ी डिसाइड करे कि खाना तो हमने खाया था, हमारे दिल से पूछो कैसा था। इस चक्कर के अंदर आपके कमेंट्स के अंदर शनाया को भी जोश चढ़ गया भाई साहब। शनाया कह रही है अब 24 घंटे खाना मैं बनाऊंगी। आप सबने कमेंट किया नहीं अब शनाया से बनवाओ, शनाया इतनी बूस्ट अप हो गई देखकर, मैं सारा दिन मैं का बेटा चल आज तेरी बारी। उसके पास टाइम नहीं है भाई साहब, वो कह रही है कि मैं टाइम नहीं हूँ, तुम वीडियो बनाते रहो, मैं तो किचन में बिजी हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। शुरू हो गया, नाश्ते का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं शनाया कर के रही आओ। गाइस मैंने उनको बोल तो दिया कि मैं पूरे दिन चैलेंज कर लूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। गाइस मुझे आपकी बेस्ट विशेस चाहिए, कमेंट में लिखो बेस्ट अफेक्शन आया ताकि मैं चैलेंज पूरा कर पाऊँ। तो भैया क्या हो गया, ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है, क्या बना रहे हो, क्या है हमारे ब्रेकफास्ट में? मैं आपको भी कुछ नहीं बताने वाली, मगर क्यों? आप अभी हंस चले जाओ, आप मुझे वैसे ही बड़ी कंफ्यूज हो रही हो, मैं क्या बनाऊं, आप मुझे वैसे ही तंग करने आ गए हो, या फिर सरप्राइज लगे चले जाओ, सब लोग जाओ। ये भी ठीक है, सरप्राइज है मतलब, चलो कम से कम कुछ कर तो रही है। मुझे शनाया के लिए हमारी फील आ रही है गाइस, लड़की फुल चार्ज कर पे। ठीक है भैया हम जा रहे हैं, तुम कुछ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बना के लाओ माने, ओके चलो। तो गाइस ब्रेकफास्ट के लिए मैं पैनकेक्स बनाने वाली हूँ, पहले मैं इसका मिक्सचर में पानी डालूंगी। गाइस मैं मिक्सचर में पानी डाल मेरे पैनकेक्स रेडी हो गए हैं, अब मैं इनको न्यूटेला के साथ इनको तिल। तो गाइस मेरे पैनकेक्स रेडी हो गए हैं, मैं उनके पास लेके जाने वाली हूँ। सुंदर पैनकेक। My goodness, ये वाला मेरा। अरे वाह। गाइस यार ये तो कमाल कर दिए छोरी ने। हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के? भाई ये लड़की कमाल है, मैं तो पहले पता है मेरे को फीलिंग कैसे आ रही है। ऐसा पूरे एकदम आप देखो पूरे गोल्डन, I love it. गोल्डन पैनकेक्स हैं, गोल्डन मतलब क्या जबरदस्त टेक्सचर है ये तो पुनीत भी नहीं बना पाती गाइस जैसे, समझ रहे हो? हेलो शनाया की तारीफ करो सिर्फ, मेरी बुराई मत करो। ऑसम ऑसम जबरदस्त। जो भी हो यार यम्मी है, यम्मी। अपना मेरी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई है तेरे से शनाया, और क्या खिला रही है? बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। देख लो गाइस लड़ाइयां हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी आइटम पास हो गई है, लड़ाइयां हो रही है खाने के लिए। और एक बार में सब चट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने इन्होंने सारा निपटा दिया है। तो भाई ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये सारा निपटा दिया इन्होंने। अच्छा पैन के गाइस बचा हुआ न्यूटेला सारा निपटा दिया है भाई साहब, ब्रेकफास्ट की बड़ा है। शनाया तू कहाँ आ रही है? इतना हैवी ब्रेकफास्ट हो गया, हमसे तो उठा नहीं जा रहा। लेकिन आपको पता है ना जो बंदे की खाने की जिम्मेवारी है, पुनीत है गाइस, ब्रेकफास्ट बनाती है, उसके बाद फिर लंच की तैयारी, उस लंच खत्म होता है तो फिर डिनर की तैयारी। आज आप लेट नहीं सकते, जाओ भैया किचन में जाओ। यार पापा प्लीज। प्लीज का क्या मतलब है? भैया इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है खाना बना दिया कुछ भी है। देखा मैं कितना काम करती हूँ गाइस, कैसा लगा मेरा मजा? तो गाइस अब मैं मैक्रोनी बनाने वाली हूँ लंच में, मैंने मैक्रोनी यहाँ पे बॉईल कर ली है और अब हम इसमें सॉसेस डालने वाले हैं। तो गाइस अब मैं पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल डालने वाली हूँ एंड अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालने वाली हूँ।
गाइस मैंने इसमें बहुत सारे बटर और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। एंड गाइस अब मैं सॉसेस डालने वाली हूँ, लाइक मेयोनीज, शेजवान सॉस, तंदूरी सॉस। गाइस ये शेजवान सॉस है। हाँ जी, क्या बन रहा है? अब सरप्राइज है, उस टाइम देखना। उस टाइम है क्या ये? हम तो इसलिए आए हैं, कोई आपकी हेल्प कर दे, हमारी हेल्प चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर दूंगी। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? नहीं नहीं, हम हैं, अगर चाहिए होगी हेल्प बता दो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। हमारा फर्ज था, हमने पूछ लिया, ठीक है, हमें क्या, हम खाने में हेल्प कर देंगे। गाइस अब मैं इसमें थोड़ी सी मेयोनीज डालने वाली हूँ। गाइस अब मैं इन सारी सॉसेज को मिक्स कर रही हूँ। इन सारी सॉसेस को मिक्स कर रही हूँ। गाइस अब मैक्रोनी डालने की बारी आ गई है। गाइस मेरा हाथ जल गया है। गाइस मैं थोड़ी सी कोलगेट लगा ली है, लेकिन मुझे अभी बहुत दर्द हो रही है। वैसे मेरी मैक्रोनी तो रेडी हो गई है, मैं उनके पास लेके जाने वाली हूँ। मुझे पता नहीं कैसे बनी है, देखते हैं। मैं प्लेट में डाल लेती हूँ अभी। है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ एक नजर अब खाई है। नहीं ये तो अच्छी लग रही है यार, ये तो शक्ल से अच्छी लग रही है। गाइस गाइस देख रहे हो कितनी मेहनत कर रही है हमारी बच्ची, इसका हाथ जल गया है यार, कमाल है भाई। गाइस हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी। क्या बोला तूने? प्लेट में खाओ, बीच में जरा ठंडे मत मारो। नहीं मम्मी ये मैक्रोनी। गाइस इसका टेस्ट तो डबल आने वाला है। मैं तो मिल नहीं रहा। इसका टेस्ट डबल आने वाला है क्योंकि इसमें शनाया को चोट भी लगी है। इसमें मेयोनीज का टेस्ट मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि पुनीत की दुकान बंद हो जाए, यही रोज खाना बनाए। बट हफ्ते में एक दिन तो तू ही बना सकती है, एवरी वीक बना ले यार। एक हफ्ते में एक दिन सुनाया, एक दिन उन्होंने, एक दिन तू, एक दिन अमित, एक दिन जान। कमेंट करके बताना क्या ऐसा भी चैलेंज करें कि रमनीक कुकिंग फॉर 24 आवर्स या सियान सियान कुकिंग फॉर 24 आवर्स या रमनीक कुकिंग। कमेंट करके कमेंट करो रमनीक कुकिंग। हाँ या फिर रमनीक सियान टुगेदर। अलग अलग करना प्लीज, टुगेदर कर देना प्लीज। बहुत तेज हो रहे हो हैं, मुझे अकेले नहीं होएगा, खड़े होना पड़ेगा किचन में। गर्मी लगती है क्या आपके आगे? खाने में तो फैसला हो जाता है, मम्मा अचानी बनाया। अब रोज वही बना देते हो, आपकी मम्मी भी ऐसे बोलती है, या आप अपनी मम्मा को ऐसे बोलते हो ना, आगे से मत बोलना। खाने के लिए क्लैपिंग तो बनती है। सुन सुन सुन, ये सारा तो खत्म हो गया अब, लेकिन खाना खाने का मन नहीं है और बच्ची का हाथ भी जल गया है, तो मेरे तो मतलब अब हम इससे और खाना नहीं बनवा सकते। तो शनाया क्या कुछ सोच कि तेरे को खाना ना बनाना पड़े और डिनर भी हो जाए हमारा। मेरा खाना खाने का वैसे भी मन नहीं है। आपको स्वीट खाना है? स्वीट नॉट अ बैड आइडिया, मीठा से काम चल जाएगा। गाइस आई लव मीठा। ओके फिर हम मीठा लाएंगे। मीठा यस, तो उसको कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी तेरे को ना? कुकिंग नहीं है, ठीक है, मतलब गैस वाला काम नहीं करना। वो जुगाड़ करो जिसमें गैस ना हो। गाइस आपके लगे है यार, वी कांट टेक मोर रिस्क। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, चलो धीरे करके, धीरे धीरे बच्ची पे इतना प्रेशर मत डालो यार। अगली बार में ये गई हूं हाय, अपना जाओ। तो गाइस डिनर में मैं सबके लिए बनाने वाली हूँ बनाना स्प्लिट। तो गाइस बनाना स्प्लिट बनाने के लिए पहले मैं इस बनाना को ऐसे पील करने वाली हूँ, एंड फिर गाइस मैं इसको ऐसे हाफ में कट कर दूंगी।
गाइस मैंने बनाना को 2 पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं मिडिल में 3 स्कूप्स ऑफ वनीला आइसक्रीम डालूंगी एंड उसके बाद हम चॉकलेट सॉस स्प्रिंकल्स और बहुत कुछ डालने वाले हैं। गाइस मुझे 2-3 टाइप की आइसक्रीम्स मिल गई है तो मैं सारी डालने वाली हूँ। पहले हम चॉकलेट डाल लेते हैं, चॉकलेट का 1 स्कूप बिग सा। गाइस मैंने आइसक्रीम के स्कूप्स डाल दिए, अब मैं हल्के चॉकलेट सॉस डाल दी उसके एंड गाइस अब मैं थोड़े से स्प्रिंकल इस पर स्प्रिंकल करने वाली हूँ। गाइस मैंने मुझे थोड़े से और भी टाइप के स्प्रिंकल्स मिल गए, मैं ये भी डाल देती हूँ। गाइस यहाँ पे हल्का खाली खाली लग रहा है, ऐसा करके इसको भी डेकोरेट कर देते चॉकलेट सॉस को। अब अच्छा लग बंक हम बनाना ये सही है, ये बनाना है और स्प्लिट हो गया। मेरे को वॉशरूम जाना है और जल्दबाजी के अंदर ये चम्मच लाना भूल गए हमारे लिए। गाइस ये बहुत एक्साइटेड है, मुझे लग रहा है ये हमें मीठा खिलाने के लिए। लाओ जी लाओ बहन, लो जी चम्मच अपने अपने सियान को वॉशरूम आगे बड़ी जोर से गाइस और उसके वॉशरूम की आवाज हमें बाहर तक आ रही है यहाँ पर। मैं इसको बोलूंगा जो प्रेजेंटेशन के फुल मार्क्स है और टेस्ट में तो चलो आइसक्रीम में बनाना है, लेकिन गाइस प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी खाने को लेकर और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया शनाया ने। शाबाश दूंगा शनाया को मैं, शाबाश शाबाश बेटा बहुत बढ़िया एंड वेल डन। आज खाना में बहुत मजा आया हमें, खाना में खाना में खाना में आप देख रहे हो बनाना सिर्फ मैं ही खा रही हूँ। फाइनली आ गए हैं वॉशरूम, बहुत आ गए ये वॉशरूम करके आए हैं ये बहुत मजा आया गाइस। तो थैंक यू सो मच शनाया फॉर लवली लवली 24 आवर्स यम्मी ट्रीट, यम्मी ट्रीट। और शनाया के थोड़ी सी लग गई थी बट कोई बात नहीं, शी हैज डन रियली वेल। थैंक यू अगेन एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतना प्यार करते हो हमें, इतना सारे लाइक्स देते हो हमें, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, नहीं कर रखा तो एक बार चेक कर लो यार, कई बार रह जाता है जल्दी से। तो थैंक यू सो मच, अब नेक्स्ट बता देना कि मैंने कुकिंग करनी है या सियान ने करनी है या हम दोनों अलग अलग करवाएंगे। पापा फिर सियान करवाना क्या है ये बताओ। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमने वीडियोस बनाना क्यों शुरू किया विद अदर क्वेश्चन एंड आंसर्स विद सब्सक्राइबर्स। वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 ब्लॉग से। गाइस बहुत मजा आया था वीडियो देखने के लिए, क्लिक 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 बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।